यार मत कर यार, कार्तिक भाई छोड़ रहा था, नमूना बना दिया यार, बंद कर यार, दिमाग खराब, मैं नहीं बना रहा। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही अच्छे चैलेंज के साथ। थोड़े टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम फॉलोअर से अपना लाइफ कंट्रोल करवाया था, मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को भी मौका दिया जाए मेरी लाइफ कंट्रोल करने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो तुम्हारे भाई ने पोल डाल दिया है कि आज मुझे क्या पहनना चाहिए, विंटर क्लोथ या मुझे आज छोटे छोटे कपड़े पहन के जाना चाहिए। क्या बोला तूने? छोटे छोटे कपड़े पहन के जाना चाहिए, हाफ टी शर्ट हाफ पैंट। ओके 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 ओके। तो आज चेक करते हैं सबसे ज्यादा वोट किस पे मिला है। तो गाइस हमें वोट मिला है कि हमें आज समर के क्लोथ पहन के जाने हैं, मतलब कि हाफ टी शर्ट हाफ पैंट। तो कोई नहीं, रेडी होते हैं और चलते हैं बाहर, और फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने आज क्या पहना है। चलो भाई। अभी हम दूसरा पोल डालते हैं कि अब मेरे को अपना ब्रेकफास्ट कैसे करना है। तो गाइस मैं पोल ये डाल रहा हूँ कि मेरे को किसी और से मांग करके ब्रेकफास्ट करना है, या खुद से खरीद के रोड पे बैठ के ब्रेकफास्ट करना है, या तो घर पे जाके खुद बना के और खुद खाना है। तो गाइस मैंने पोस्ट डाल दिया, तो अभी वेट करते हैं कि सबसे ज्यादा वोट किस पे आता है। तो गाइस अच्छा खासा वेट करने के बाद पोल का रिजल्ट आ चुका है। इसमें रिजल्ट ये है कि मेरे को किसी और से मांग करके खाना खाना है। तो मेरे पीछे अभी सिटी सेंटर मॉल है, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कोई खाना खा रहा होगा, उसके पास जाके बैठ जाएंगे, उससे मांग लेंगे खाने के लिए। कोई बात नहीं, हम तो अच्छे हैं। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं भाई, खा नहीं सकता क्या? नहीं। अरे तो मेरा क्यों खा रहे हो भाई? मेरे पे पैसे नहीं है ना इसलिए। तो उससे क्या ब्रो, मतलब पैसे कहीं भी आके खा लेते हो क्या? हाँ भाई, ये बर्गर खा सकता हूँ मैं भाई? ये एक ही है यार। भाई आपके पास तो पैसे होंगे ना, एक और ले लेना। नहीं वो बात नहीं है, बट आपको कोई नहीं, मैं दूसरे मंगा। नहीं कोई नहीं भाई, यही खा लेता हूँ। अरे ऐसे कैसे, मैं अपने लिए आया था यार। कोई नहीं भाई यार, अपने लिए एक और ले लेना ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शरम नहीं आए तुझे भाई? तुम्हें चाहिए तो मंगा लेते, कोई बात नहीं। बहुत टेस्टी है भाई यार, मजा आ रहा है भाई। तू खा ले भाई। खाओ ना भाई, ये खाओ ना। नहीं नहीं ये भी तू ही खा ले। ओके। अरे थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। भाई ये क्या मतलब होता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रैंक हो गया आपके साथ। मेरे को एक चैलेंज मिला था कि मेरे को ना किसी अननोन बंदे के पास जाके खाना लेकर के खाना है। तो बस ये था, मैं तुम्हें दूसरा मील दिला दूंगा, ठीक है? कोई नहीं, मैं कुछ दे दूंगा। तो गाइस अभी दूसरा पोल डालते हैं कि मैं अपने घर की सफाई करूं या इस मॉल की सफाई करूं। तो गाइस ज्यादा वोट मेरे को ये है कि मेरे को अपने घर की सफाई नहीं करनी, मेरे को इस मॉल की सफाई करनी है। तो पीछे वो भैया वहाँ पे पोछा लेकर के कुछ कर रहे हैं, उसमें तो जाता हूँ उनसे पोछा छीनता हूँ और बोलता हूँ कि आज मैं आपकी मदद करूंगा। यार आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो मैं मार देता हूँ पोछा। भैया ने एक बार मना भी नहीं करा, बोल रहे ले भाई कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आज हम ये पूरा मॉल बिल्कुल साफ कर देंगे, चमका देंगे बिल्कुल अच्छे से। ये काम वैसे अच्छा बहुत है, इसमें मजा बहुत आ रहा है पूरा अच्छे से। और कोई हेल्प भी है बताओ ना भाई? भाई हो गया। और कोई हेल्प चाहिए तो बता देना, मेरे साथ जो शूट कर रहा है वो बर्तन भी अच्छे धोता है। तो गाइस मैंने अभी पोल डाला था कि मैं घर पे जाकर के रेस्ट करूं थोड़ी देर, या किसी ट्री के साथ रोमांस करूं। ही टीजिंग मी, ही नटी नटी। किसी ने रेस्ट वाले पे करा ही नहीं, सिर्फ दो तीन बंदों ने, सब ने उस पे करा है। ट्री के साथ रोमांस करो यार, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। सिंगल लोग, ट्री भी मिल गए लोग, हमें ट्री के साथ रोमांस करना है। तो करते कैसे है, मैं तो सिंगल हूँ यार, मैंने आज तक कोई लड़की नहीं देखी कभी। क्या क्या करवा रहे यार, अब नहीं कर सकता यार। वो चीटी चढ़ गई, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया बस, हवा निकल गई। दूसरा पोल डालते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे बाल कितने ज्यादा बड़े हो रहे हैं, तो मैंने सोचा है बाल कटवाना है मुझे, तो अब मेरे को पोल ये डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने बाल बार्बर से कटवाऊं या अपने दोस्त से कटवाऊं। तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ गुजा मेरे में। तो अब देखते हैं किस पे ज्यादा वोट आता है।
तो गाइस पोल का रिजल्ट बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग और बहुत ज्यादा बुरा आया है। मेरे को अपने दोस्त से बाल कटवाने हैं, एक लुक दिखाओ उसको। बिहार के लाला आ यार, काट बाल काट भाई। देख पहली बात सुन ले, हल्के हल्के से कटने चाहिए बिल्कुल। ये लो फुल तैयारी के साथ आया है गलत क्या भाई। सुन हल्के हल्के से कटने चाहिए बिल्कुल। देखो मैं लेके क्या आया हूँ, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ट्रिमर कहाँ से लेके आ गया भाई ये? मैंने तो तेरे को बोला सीजर लेके आ। ओए ओए भाई ओए, मैं रेडी हूँ। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना है भाई। देख अगर ज्यादा कट गए तो मैटर खराब हो जाएगा भाई। साइड साइड से काटने बस। ओए ओ भाई ओए, क्या है ये? कौन सा नकली ट्रिमर लेके आया? ओए भाई ओए, मेरे कपड़े पे गिर रहे हैं क्या? कैसा नकली? ओए चोट लग रही है भाई। भाई इतने नहीं काटने थे भाई, रहने दे यार, तूने ज्यादा काट दिया मेरे ख्याल से। यार मत कर यार कार्तिक भाई, छोड़ दे यार, थोड़े थोड़े बोले थे मैंने, मैच किया छोड़ दे बस, हो गया। कट गए, ज्यादा काट दिए इसने। अबे यार ये क्या कर दिया, अब मैं कैसे सही कराऊंगा इसे? हो जाएगा वो ठीक। तूने क्या बोला यार? शुक्रवार ना ऊपर से नहीं काटे, ये हो जाएगा। मैंने तेरे को क्या बोला था, कैंची लेके आने के लिए बोला भाई? कैंची भी नहीं, ट्रिमर ले आया। कैंची ना थोड़ी काटना होता है यार। कट गया, अब तो कोई नहीं, अब तो कटना भाई। इसने देखो जीरो नंबर से पूरे बाल काट दिए, देखना ये देखो गाइस, गंजा कर दिया साइड से भाई। काटने से भाई, उन्होंने बोला है काटने के लिए, हमने किसने बोला है? इसने बोला है। ओहो मैंने कुछ नहीं बोला, खड़ा करो कैमरा वाले से, कहा ट्रिमर लेके आई हो, देखो ट्रिमर लेके आया हूं मैं, इसका पूरा वो है रोल। यार ये चीज अच्छी लगती मेरे को, बहस किया तुम। अबे कैंची से फालतू की मेहनत होती, ये तो मेहनत लगती है, कट कट करता है तो कंगा भी। तो ये क्या बना दिया मैं? इसको कहते हैं टी का हनी सिंह, इसको कहते हैं अनानास। तुम्हारे लिए कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? बंद कर यार, अरे मैं नहीं बना रहा। तो गाइस इतने अच्छे बाल कटवाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ लंदन लग्जरी सैलून में, द हेयर पैलेस। बहुत ज्यादा अच्छे बाल काट दिए हैं कार्तिक ने। तो भाई सलून में सब लोग मेरे को घूर रहे हैं इसकी वजह से। क्या कर दिया यार ये, क्या कर दिया ये? एक्चुअली ना मेरे को एक डेयर मिला था, तो ये कटिंग इसलिए कर रही है जो शूट कर रहे हैं। ज्यादा ही अच्छे बाल काट दिए देखो, बहुत ज्यादा। ये सही तो हो जाएंगे, करने पड़ेंगे, कर देंगे रूम वाले, हो जाएगा। बताऊंगा तेरे को, इसका बदला लिया जाएगा, देखते हैं कितना बदला लोगे। हम भी आई हैं, तुम भी आई हो। तो गाइस हमने पूरे आधे घंटे की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से सब कुछ छुपाया है साइड का, अब तो पता नहीं चलता। नहीं नहीं अब पता नहीं, और कटिंग भी काफी अच्छी हो गई है, सही है, अच्छा है। 3 hours later. तो भाई अभी 10:30 बज चुके और मैंने पोल डाल दिया, और मैंने लोगों से ये पूछा कि मैं किस चीज पे सोऊं, अपने घर पे जाकर के बेड पे सोऊं या किसी रोड पे बाइक पे सोऊं। लगता है मैं गलत पोल डाल रहा हूँ, कहीं मैं फंस ना जाऊं। सब लोगों ने अगर बाइक पे कर दिया तो पूरी रात बाइक पे कैसे गुजारूंगा। चलो कोई नहीं, अब तो पोल डाल दिया है, तो चलो वेट करते हैं इसके रिजल्ट का कि सबसे ज्यादा वोट किस पे आते हैं। 1 hour later. तो गाइस पोल डाले पूरे 1 घंटे हो चुके हैं और मेरे को सबसे ज्यादा वोट मिले कि मेरे को पूरी रात बाइक के ऊपर ही सोना है। तो गाइस आ जाओ, चलो इसके ऊपर सोने की तैयारी करते हैं। पहले तो इसे डबल स्टैंड पे लगाना पड़ेगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ओढ़नी नहीं है भाई। 6 महीने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है। थोड़ा और आगे हो, थोड़ा और नीचे घुसो, नीचे जाओ। कह रहा हूँ नीचे हो, थोड़ा नीचे हो, और नीचे हो, बस हाँ ठीक है। थोड़ा यार ऐसे सो सकता हूँ, थोड़ी देर रूम की लाइट तो बंद करवाओ। रूम नहीं, आप रोड पे सो रहे हो। बहुत ज्यादा नींद आ रही है, जो शूट कर रहा था वो भी जा चुका है। मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, कमर अमर बिल्कुल अकड़ गई यार इस पे। मतलब ज्यादा देर तो नहीं सो पाया अभी, 1-2 घंटे से इस पे इधर उधर कर रहा हूँ मैं, बहुत दिक्कत हो रही है। इतनी रात को भी देखो लोग घूमते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वाइज ऐसा करते हैं कि मैं क्विट करता हूँ इस चैलेंज को यहाँ पे, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा मेरे से, हार मानता हूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे पूरे 15,000 लाइक का, तो लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है। और बाइक पे सोना सच में बहुत मुश्किल है यार, ये तो हॉन्टेड प्लेस से ज्यादा मुश्किल है, इससे अच्छा तो किसी हॉन्टेड प्लेस पे सो जाता। गाइस चलो कोई नहीं, यहाँ से घर चलते हैं यार, पूरा रास्ते पे कोई नहीं, कोई आवा गया तो अलग सीन हो जाएगा, पूरा सुनसान पड़ा है रास्ता।